लोग बैठे हैं वो कोरोना से निकल गए, ये बीमारी से तो लड़ लेंगे कुछ दिन, इस बीमारी से तो लड़ा जा सकता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने स्वार्थ और वोट के लिए देश में नफरत फैलाने का काम किया, वो गंभीर बीमारी। रही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना हम अपना ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का, परिवार का ख्याल रख सकें, वो रखना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ने पे कोई काम काज है तो कार्यकर्ताओं से मैंने अपील की है कि जहां घर पे रहकर के फोन से संपर्क बनाए रखें, और अगर कोई तकलीफ और परेशानी में है तो उसका अगर सहयोग मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि बीमार होने से अच्छा है इस बीमारी से कैसे दूर रहा जाए, बचा जाए। वही सभी कार्यक्रम नवरात्र के बाद जब चीजें ठीक हो जाएंगी उसी समय कार्यक्रम किए जाएंगे, क्योंकि इधर 23 तारीख से साइकिल चलाने का कार्यक्रम था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के पास तक जाना था, अब वो कार्यक्रम सब निरस्त कर दिए हैं। 22 अप्रैल से फिर समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम शुरू होंगे। सरकार ने अभी अभी कहा कि ये दमदार सरकार है, लेकिन पिछले 3 साल का कार्यकाल देखें तो ये दमदार सरकार नहीं है, निर्णय ना लेने वाली सरकार है। कोरोना को लेकर के सरकार को गंभीर होना चाहिए, तन मन धन से इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, और जो सहयोग करना चाहे उनका सहयोग लेना चाहिए। अगर विपक्ष के लोग भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो सरकार को सहयोग लेना चाहिए और उसकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कल कैसा होगा किसी को नहीं पता। जब यूरोप जैसे जहां पर तमाम सुविधाएं हैं वहां पर बड़े पैमाने के लोगों की जान जा रही है, दुनिया में दूसरे देश तैयारी कर रहे हैं, हमारी आबादी बहुत है, हम आसपास बहुत ज्यादा रहते हैं करीब, इसलिए सरकार को ज्यादा तैयारी करनी चाहिए और ईमानदारी से तैयारी करनी चाहिए। केवल बोल करके तैयारी नहीं करनी चाहिए। और अस्पतालों में क्या तैयारी है, आप किसी अस्पताल में चले जाइए राजधानी के, सामान्य बीमारी को लेकर के इतनी भीड़ है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और रात में भी मैं एक अस्पताल में था, मैंने पूछा कि क्या तैयारी है, हालांकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में तैयारी नहीं है जो होनी चाहिए गरीब के लिए। तो सुझाव है तो अखिलेश जी, कोरोना को लेकर सरकार लगातार अपील कर रही है। अखिलेश जी हम अभी बोल रहे हैं, अखिलेश जी कोरोना को लेकर सरकार लगातार अपील कर रही है कि मास गैदरिंग ना हो, आप भी अपील कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं कि मास गैदरिंग नहीं होना चाहिए। अभी भी देश में कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लखनऊ में घंटाघर में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, ऐसे प्रोटेस्ट के लिए, ऐसे लोग के लिए आपकी क्या सलाह या क्या अपील है? जो मुद्दा लेकर के लोग बैठे हैं वो कोरोना से भी गंभीर है, ये बीमारी से तो लड़ लेंगे कुछ दिन, इस बीमारी से तो लड़ा जा सकता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने स्वार्थ और वोट के लिए देश में नफरत फैलाने का काम किया, वो गंभीर बीमारी है। इसलिए हाल फिलहाल वो भी अगर बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं तो मेरी अपील है माताओं बहनों से कि बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब ये बीमारी हट जाए तो फिर जो लंबी बीमारी है जो देश में फैली उसके लिए हम सब लोग मिलकर के फिर लड़ना चाहिए। जरूरी सूचना, द शूद्र के सभी दर्शकों से अपील है कि आप हमारे नए YouTube चैनल द रिपोर्ट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि द शूद्र को बंद करने के लिए मनुवादी साजिश रच रहे हैं। द रिपोर्ट इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।